अब तुम मुझे अपना बना सकते हो। You can? बढ़िया। अच्छा सुनो, एक फ्री ट्रांसलेटर है जो दोपहर में तुम्हारे घर आएगा और वो सुकिंचे है। हेलो। हे शिंचैन, मुझे स्टोर के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तो मिलते हैं। मिलते हैं। मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ। जो तुमने ईमेल किया था वो अभी तक मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। लास्ट टाइम स्टोर बदलने पर था, अब हम ब्रांडिंग पर बढ़ेंगे। सच कहूँ तो ये एकदम वही है जो मुझे चाहिए था। आगे का प्लान क्या है? हम सोच रहे हैं कि एक जापानीज ब्रांड को अच्छा रेपुटेशन देने का, ये हमारा पहला कदम होगा क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने का। जापानीज ब्रांड? इसका मतलब तुम्हें जापानीज ट्रांसलेटर चाहिए होगा। हाँ, हमें मटेरियल तो मिल चुका है लेकिन आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, वो सब मुझे भेज दो, मैं ट्रांसलेटर की मदद से सब करवा दूंगा। कोई बात नहीं, जावली ने कहा है उसे ट्रांसलेटर मिल चुका है और वो आके हमें बता देगा। ट्रांसलेटर? शायद वो सुकिंगशे है। हाँ वही है। मुझे देर हो रही है, मुझे निकलना चाहिए। और वैसे अगर ये डील पक्की हुई तो ट्रीट मेरी तरफ से। पक्का। मैं निकलती हूँ। ठीक से जाना। सॉरी देर से आने के लिए। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया। और माफ करना, मुझे थोड़ा सा काम था। चले। आज के लिए थैंक यू, तुम सही टाइम पे आए हो। तुम बहुत जल्दी में थी और तुमने ये भी कहा था कि ये आज ही करना है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हर काम इतनी अच्छी तरीके से कर सकते हो। तुम बस इसे ट्रांसलेट कर दो। हम इसे रीब्रांड करेंगे। हमारी इन्वेंटरी पूरी साफ हो चुकी है और हमारे ऑनलाइन स्टॉक भी पूरा बिक चुका है। मुझे जल्दी करना होगा, एक ब्रांड को टारगेट करके हमें ये काम बहुत जल्दी ही करना है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी थी तो तुमने मुझे कल रात को कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। वैसे ल्यूकिन काफी ज्यादा जावली के साथ घूम रहा है, वो उसके घर भी गया था। क्या उसका कोई इरादा है? मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उसे इसके लिए मना किया था। चलो काम करो। तुम ट्रांसलेट करो, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे पढूं? क्या ये भाषा मुश्किल है? इसके लिए ट्रांसलेटर क्यों यूज नहीं करते? नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं पढ़ता हूँ। वैसे ये वाला प्रोडक्ट जेंटल मॉइस्चराइजेशन हमें प्रोवाइड करता है और हमारी त्वचा को नरिशमेंट भी करता है, बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है। आगे बढ़ो। सॉन्ग सिंचन, तुमने उस रात मुझसे ये कहा था ना कि एक लड़की अपने पार्टनर से बहुत कुछ चाहती है। क्या तुम मेरी बनोगी? कुत्ता कब से पाल लिया? शायद उसे भूख लगी है। ये तो वही है। क्या
है इस पर तुम्हारा कोई एहसान है? नहीं, ये वही कुत्ता है जिसकी हमने जान बचाई थी। हमने जान बचाई थी? हाँ। क्या तुम वही आदमी हो? तुम्हें पता नहीं था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लगा तुम्हें पता होगा, तुमने कभी पूछा भी नहीं। तुम मुझे ये कब से जानते हो? जब हम ब्लाइंड डेट पर मिले थे उसी वक्त। सच कहूं तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैंने जानबूझ के वो चीजें की थी। मैम, मुझे लग रहा था जब मैंने तुम्हें देखा तुम उन सब में से बहुत अलग लग रही थी। कब, कहां, कैसे मुझे नहीं पता, तुम्हारी चाल ढाल सबसे अलग थी। तो मतलब हम उस दिन पहली बार मिले थे? तो तुम मुझे बताओ कि जब से हम मिले हैं तब से तुमने मुझ में क्या बदलाव देखे? अब तुम मेरी तरह हो। जितना भी तुम जानती हो, हमारी पहली ही मुलाकात में तुम मुझे अच्छी लगने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे दोबारा ब्लाइंड डेट पर मिलोगी। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब क्या, अब तुम्हें क्या लगता है मेरे बारे में? मैं बस थोड़ा सा उत्सुक था। जब तुमने हमारी रेस्क्यू टीम ज्वाइन की मुझे लगा तुम जैसी लड़की ये कैसे कर पाएगी। मेरे जैसी लड़की में क्या परेशानी है? मैंने आज तक किसी खूबसूरत लड़की को इतनी मेहनत करते हुए नहीं देखी। जब तुमने रेस्क्यू टीम ज्वाइन किया तब मैंने देखा कि तुम अपने काम के प्रति कितनी ईमानदार हो और लोगों की मदद भी करती हो। मेरे लिए इतना काफी है। काफी मीठा बोल देते हो, वो भी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तुम बताओ, क्या तुम्हें मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? उस दिन जब तुम्हें बुखार था और तुम मेरे घर पर थे, क्या तुमने सच में कुछ नहीं सुना था? नहीं तो दिमाग वही दोहराता है। ठीक है फिर, अब तुम मुझे अपना बना सकते हो। Thank you.